नमस्कार, मैं इंद्रेश राणा और हम इस समय मौजूद है घोसी विधानसभा में। हमारे साथ विधानसभा सगड़ी से डॉक्टर एच एन सिंह पटेल जी हैं और हम इनसे सीधे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका, और क्या कहना चाहेंगे घोसी के इस चुनाव के बारे में? धन्यवाद बहुत बहुत आपको। इस बार घोसी का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और जीत का अंतर अब तक का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। आप सगड़ी मतलब एक डॉक्टर भी हैं, सगड़ी से विधायक भी हैं। आपने इससे पहले हमारे साथ एक छोटी सी बात साझा की कि सगड़ी का हम ऑपरेशन कर दें, अब तक घोसी का ऑपरेशन कैसे आपने किया? होने जा रहा है ना, अब देखो आज ही देखो कितना ऑपरेशन हो गया। ये वोट हम कभी नहीं जीते थे लेकिन बम्पर वोटों से जीते जा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं जीतने का, उधर ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं कि घोसी की सीट हम जीत रहे हैं। ये बताओ हमें सिंपल सा एक सवाल, अभी आपने पूछा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में, 12 में कोई सीट थी ओम प्रकाश राजभर की? जब 17 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया तब जाके तो उनको खाता खुला, 22 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तब जाके खाता खुला। अकेले दंग पर जो अपनी एक सीट नहीं निकाल सकता है, बड़े बड़े दावा सिर्फ कर सकता है, जमीनी हकीकत में बदल। पहले चल सन्यासी मंदिर में करके बाबा को भेजने की बात करें, अब अखिलेश जी को सैफई भेजने की बात कर रहे हैं। कई लोगों को भेज चुके, योगी जी को भेज चुके, मोदी जी को भेज चुके, अमित शाह जी को भेज चुके, अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज रहे हैं। तो भेज कर जो बात वो बोलते हैं ठीक उसका उल्टा होता है। भाई योगी जी गए नहीं मंदिर में, अमित शाह और मोदी जी गुजरात नहीं गए, और सैफई तो मान लो कि सैफई तो उनका घर है, जा भी सकते हैं, लेकिन इनकी बात जब वो नहीं सीधा सही हो पाई तो ये भी सही होना असंभव है, लेकिन सिर्फ अपनी सुर्खियों में हम। आप एक विधायक हैं, आप एक विधायक हैं, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। उन्हीं का एक और बयान आया था कि 12 बजे के बाद हिरण की बुद्धि खुले, क्या कहेंगे? अब इस पे कमेंट हम इसलिए नहीं करेंगे कि वो उनका निजी विचार है, अगर हम कमेंट करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।